नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं अपूर्व। देखिए, जब से देश और दुनिया भर में कोरोना आया है, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं अपूर्व। एक तो मास्क लगाना और एक सोशल डिस्टेंसिंग। और अब तो ये समझ लीजिए कि कानून भी कानूनी मैं ऐसे कहूंगी, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो जुर्माना कट जाता है। कहीं पर 500 का जुर्माना है, कहीं पर 1000 रुपये का जुर्माना है। लेकिन अपूर्व, क्या आप जानते हैं, एक ऐसा देश है जिसने 2 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया है मास्क न लगाने पर। 2 साल तक की जेल? 2 साल तक की जेल। और ये देश है यूथोपिया। इस देश के मतलब जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 2 साल तक के लिए आप जेल में जाएंगे, जुर्माना होगा अलग से। कैसे देखते हैं इस खबर को? क्या पहले तो आप मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल, अब इसी बात पे अब खबर हो गई तो मैं मास्क लगा लेता हूँ भाई। डरना भी जरूरी है और कोरोना भी है। बिल्कुल, कोरोना तो है और क्योंकि हम खबर पढ़ रहे थे इसलिए नहीं लगाए थे, नहीं तो मैं लगाता हूँ भाई। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी देखिए पालन कर रहे हैं, फ्रेम से ही आउट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो। इसलिए देखिए, ये तो हर जगह आपको मिलेगा ये नियम, तो आपको अब ये कानून हर जगह हो जाना चाहिए मेरे मुताबिक। इथोपिया में दरअसल जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं लिया टेडेस, उनका भी तो कुछ दिन पहले मैंने बयान सुना था, ये खबर तो अभी आपने बताई, उनका मैंने बयान सुना था, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। लोग बड़े आराम से बिना मास्क के टहल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं। एक एक टेबल पर मैं देखता हूँ 5-5, 6-6 लोग बैठे हैं। इसलिए कानून ये भी वहाँ पे बना दिया गया है, एक टेबल पे 3 लोग से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 2 साल तक की जेल हो जाएगी अगर मास्क कहीं नहीं पहने दिखे। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में भी ऐसा कानून बन जाना चाहिए ताकि हर, क्योंकि देखिए डर, जब कानून का कोड़ा चलता है, डंडा चलता है ना, उसी के डर से आप, वो कहते हैं ना, आप जब तक तलवार नहीं लटकती गले पर तब तक लोग नहीं समझते। तो दिक्कत क्या है, इंडिया में भी आप देखिए लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लापरवाह लोग हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जब भी रेड लाइट क्रॉस करते हैं आप देखिए कई लोग उसमें से निकल जाते हैं, लेकिन जब से कैमरे लगे हैं लोग डर की वजह से कि चालान कट जाएगा, घर आ जाएगा चालान, इस वजह से नहीं करते। तो ये डर बिठाना बड़ा जरूरी है। हमारे इंडिया में सीधे साधे इस तरीके से लोग नहीं मान जाते कि सिर्फ आपने कह दिया भैया प्रधानमंत्री आएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लोग नहीं मानेंगे ऐसे। इथोपिया जैसा कानून यहाँ पे भी लागू करना पड़ेगा, और भी ऐसे देश हो सकता है अभी आने वाले समय में ये कानून लागू कर दें, क्योंकि अब कोविड रहेगा अभी ऐसा, क्योंकि आपको अभी जल्दी से वैक्सीन तो मिलने नहीं वाली है, कोविड रहेगा और उससे बचाने के लिए अपने देश को आपको ये करना पड़ेगा। समझना भी बहुत जरूरी है कि भाई भले अनलॉक हो गया हो, आपके ऑफिसेज खुल गए हो, आप काम पर वापस लौटने लगे हो, मार्केट्स खुल गए हो, लेकिन कोरोना अभी भी है। कोरोना अभी भी है और इस कोरोना से बचने के लिए देखिए आपको मास्क तो लगाना पड़ेगा। अब ये इस चीज को लाने पे मजबूर मत कीजिए सरकार को कि वो कोई ऐसा कानून ले आए कि आपको भी फिर जेल की हवा खानी पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।